नमस्कार मित्रों, आज हम आपको हमारे गांव रविंद्र नगर मियाँपुर कॉलोनी का प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय के दर्शन कराते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है, सौंदर्य है, वो देखते ही बनता है। सुंदरता, स्वच्छता के मामले में कॉन्वेंट स्कूल को भी मात देता यह है मोहम्मदी तहसील के रविंद्र नगर मियाँपुर कॉलोनी का प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय। सुंदरता स्वच्छता में इस विद्यालय को जिले में प्रथम स्थान प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है। यहाँ के स्टाफ ने अद्भुत काम किया है और अभी हमारी उच्च प्राथमिक विद्यालय मियाँपुर रविंद्र नगर के कुछ बच्चों से बात हुई। बहुत से बच्चे ऐसे हमें मिले जिन्हें सभी देशों की राजधानियाँ, और भारत की बात करें तो भारत में कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम, पंजाब के जिलों के नाम, मध्य प्रदेश के जिलों के नाम और अन्य जो भी राज्य हैं उन सभी के जिलों के नाम यहाँ के बच्चों को कंठस्थ हैं। तो देखते ही बनती है इस विद्यालय की छटा। हमारे साथ हमारे संजय गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पंकज मिश्रा जी साथ में हैं। देखिए, आप इस विद्यालय के नज़ारे देखिए, अद्भुत दृश्य। किसी भी कॉन्वेंट स्कूल को मात देता हुआ ये विद्यालय। और आपको बताते हुए चलें कि आज शाम को ही सर संघ चालक भैया जी जोशी इस गांव में पहुंच रहे हैं, तो उसकी तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। उनका प्रवास रहेगा 8, 9 और 10 जनवरी, यानी 3 दिन प्रवास है रविंद्र नगर में। और मैं आप सभी फेसबुक साथियों से निवेदन करता हूं कि आप इस गांव में, इस विद्यालय में ज़रूर भ्रमण करें। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं इस विद्यालय ने नए आयाम स्थापित किए हैं, नया आयाम स्थापित कर रहा है। नमस्ते। चलिए, आज हम आपको इस विद्यालय के कक्ष में ले चलते हैं, कक्षा 8। ये विद्यालय का कक्षा 8 का कक्ष है। आप देख पा रहे होंगे सभी कि किस तरीके का अद्भुत कमरा जो है सजाया गया है। और ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर जो कारीगरी आप देख रहे हैं बच्चों के द्वारा ही की गई है, स्कूल के बच्चों के द्वारा। ये
छत में झालर है, ये बच्चों के द्वारा बनाई गई। तो जब कभी भी आपका मोहम्मदी तहसील के रविंद्र नगर कॉलोनी, इसे मियांपुर कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है, अगर आना हो तो यहाँ के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि ये गांव ही अपने आप में एक अद्भुत है, अलग ही गांव है यहाँ।